इस घर की बनावट देखिए, ये तांबूल, चारों तरफ तांबूल है और बीच में ये घर टीन का ऊपर छतरी है, और जो चारों तरफ दिख रहा है ये टाट है और उस पर मिट्टी का लेप लगा हुआ है और इसी में टीवी फ्रिज सारा चीज़ है। काफ़ी खूबसूरत घर है और हर घर के दरवाजे पे आपको एक पोखर मिल जाएगा, तालाब मिल जाएगा जिसमें लोग मछली पालन करते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पोखर मिल जाता है, तो ये पोखर है, ये देखिए। और इस तरह का पोखर आपको छोटा सा हर दरवाजे पे, हर घर पे आपको मिल जाएगा। ये भाई साहब ऊपर से कुछ गिरा है, मौसम का तो क्या कहना है, यहाँ पे पूरी रात बारिश हुई है। देखिए अभी भी बादल पूरा ऊपर छाया हुआ है, बारिश होने की बहुत अपार संभावना है। ये देखिए इधर भी पोखर है, ये एक स्कूल है, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अभी तुरंत छुट्टी हुई है, बच्चे रास्ते में जो मैंने दिखाया था यहीं से बच्चे जा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्लॉग बना रहा हूँ, सीनू सैकिया। अच्छा, कल आपने नाटक देखा हमारा? देखा। कौन सा? रश्मि रथी। हाँ। हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में आपको समझ में आया? आया। अच्छा, बहुत थैंक यू आपको, बहुत अच्छा लगा देख के। एक ही आदमी ने इतने ही बड़े बड़े रोल किया, एक ही आदमी ने तीन चार लोगों का रोल किया, देख के अच्छा लगा। देख के अच्छा लगा। हाँ, और ये भारत का ये क्या बोलते हैं उसको, हिंदी बोलना चाहती हूँ लेकिन कोई नहीं, आप अपनी भाषा में बोलिए, यहाँ के भाषा में बोलिए। आप यहाँ के बारे में जो है ना, महाभारत जो कृष्ण हेरी हतक अर्जुन हतक गुटेखिनि के कयसिले एबु हेबु दुष्ट कामबु नकइबि ध्वंस हब हतक दुर्योधन हतक बुझाइसिले हेरि किनु एक मुठिउ हतक एक माटि बेजी मोर रखा एटा अंख माटि भेटिउ निदिले किनु तार कारणे कि हल महाभारत युद्ध हल हेरिके कयसे आ न। ऐसा ही कुछ था कि मतलब एक छोटी सी जमीन के कारण जो है पूरा महाभारत युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। यही आप कहना चाह रही हैं? हाँ, हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन कोई नहीं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा नाटक? आपके बच्चे उसमें थे ना, नाटक? हाँ, कर रहे हाँ, थे कल थे, उसमें तो स्कूल में वो डांस कर रहा था। अच्छा अच्छा, आज कार्यक्रम चल रहा था। आप क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता था ये सब कुछ कैप्चर करना चाहिए ना, मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया, हो रहा था लेकिन हम लोग नहीं गए थे। हाँ, बरगीत हो रहा था, नृत्य हो रहा था। अच्छा, सब कुछ हो रहा था। आप सब ऐसा हमारा संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिखाया था। ओ, मिस कर गया हम, मिस कर गया। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग मिस कर गए। ठीक है, अगली बार आएंगे तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हम लखीमपुर असम के माझे गांव में हैं। ये एक छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं, आप नारियल का पेड़ देख सकते हैं, ये तांबूल यहाँ पे बोलते हैं लेकिन हम लोग उसको सुपारी बोलते हैं, सुपारी का पेड़ है। नॉर्थ ईस्ट तो हर जगह ही प्यारा होता है। यहाँ पर देखिए जगह जगह हर घर पर आपको जो है सुपारी का पेड़ मिल जाएगा, सुपारी यहाँ पर तांबूल बोलते हैं। और कमोबेश इसी तरह का घर आपको मिलेगा, टीन का ऊपर छतरी और नीचे ये दीवार कंक्रीट का, ये गाय माता हैं। आइए हम लोग चलते हैं खेतीबाड़ी की दुनिया में और आपको लेके चलते हैं चाय पत्ती के बगान में। चाय पत्ती कैसे, यहाँ पे चाय तैयार होता है, चाय की खेती कैसे होती है, ये थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये जगह है। ये सुपारी का पेड़ है, यहाँ पर लोग इसको तांबूल बोलते हैं। और आइए हम आपको लेके चलते हैं आगे। ये देखिए कि किसान किस प्रकार खेती कर रहे हैं। यहाँ पे रात, पूरी रात बारिश हुई है और अभी इसमें धान की बुआई होगी। कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से। आइए, एक किसान है यहाँ पे, आइए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कल नाटक देखे थे हम लोगों का? नाटक देखा है? नाटक देखे कल? देखा है। कैसा लगा? है ठीक है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझता है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत बरुआ। ये आप इसमें क्या लगा रहे हैं? खेती लगा है। खेती में? खाली खेती है, धान खेती है। धान खेती का? तो अभी इसमें पानी तो बहुत ज़्यादा, बारिश बारिश आया है तो धान खेती है और बम खेती है, साग सब्जी बहुत ठीक लगा है, मज़ा है, मज़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए यहाँ पे।
आंवला का पेड़ है, यहाँ पे हर दरवाजे पे आपको खाने पीने की चीज़ें जो है मिल जाएगी। ये देखिए आंवला का पेड़ है ये, और पूरा भारी मात्रा में इसमें आंवला फरा हुआ है। ये धान का विरार है, लोग यहाँ से उसको देखिए कि निकाल के, यहाँ पे लगा हुआ था अभी, यहाँ से निकाल के और ये खेतों में फिर लगाते हैं। ये धान का विरार है, और आइए हम लेके चलते हैं आपको सीधे चाय पत्ती के बगान में। हम लोग दोस्तों आ गए हैं चाय बगान में, आइए हम आपको यहाँ की जो चाय की खेती होती है, चाय पत्ती का जो बगीचा है वो उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा जो है ये चाय की खेती है, चाय पत्ती बगान है ये। और आगे चलते हैं, हम आगे आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे हम लोग अंदर भी जा सकते हैं खेत में, ये पूरा बंद है। हाँ ये देखिए खोलेंगे इसको, ये देखिए चाय पत्ती है, और अभी लगता है तोड़ा गया है। जो ऊपर का फूल होता है इसमें हरा पौधा होता है उसको, ये ऊपर ये इसको तोड़ते हैं, फिर इसी को सुखाते हैं, फिर ये मशीन में जाता है और फिर ये चाय पत्ती बन के हम लोगों तक पहुंचता है। आ जाएं हम लोग, ये पूरा आप लोगों का खेत है जी? है। अच्छा, कितनी खेती है यहाँ पे? 8 बीघा। 8 बीघा जी। क्या नाम हो आपका? मेरा अनिल। अनिल, अनिल आप बताइए यहाँ की खेती के बारे में, आप लोग चाय पत्ती की खेती कैसे करते हैं? ये आपका घर है ना? ये मेरा मालिक का घर है। अच्छा, ये अंदर है क्या? के बाद में इसको छोड़ने भी नहीं सकते ना, तो इसका भी मेहनत होना पड़ता है ना, हाथ में तो हमेशा साथ में लगना पड़ता है इसका भी। जैसे हम लोग का भी छोटा सा जैसे जन्म दे के, मतलब हम लोग अपना सब कैसे हम लोग को बड़ा होते हैं ना, ऐसे इसको भी हिफाजत करना पड़ता है। एक पौधा ये कितने दिनों तक चलता है? चलते हैं, मतलब इसका ना एक पौधा में ना आपका कोई तो मर भी जाता है बीच में ना, जो छोटा सा लगाने के बाद में कोई किसी का मतलब उसका एनर्जी नहीं होगा ना, तो वो तो मरेगा ना, तो सूखा दिन में इसका थोड़ा तकलीफ होता है, उसके लिए पानी भी देना पड़ता है इसके लिए। पानी तो इसमें पूरा लगता होगा? हाँ लगता है, हालांकि पानी की तो यहाँ दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। बारिश तो होती रहती है, मतलब सर अभी कभी बारिका का सीजन में बारिश होगा ना, तो खुराली के टाइम में तो बारिश नहीं होगा नहीं, तो उसमें पानी डालना पड़ता है। अच्छा। कोई मोटर फिट करके ना उसको पाइप में डाल के ना बागन का अंदर में पूरा बारिश। एक पौधा से आप लोग कितनी बार मतलब वो तोड़ लेते हैं चाय पत्ती? तोड़ने का अभी 3 हफ्ता में 3 बार तोड़ते हैं। हफ्ता में 3 बार? हाँ जा, लेकिन बड़ा होने से ना। अच्छा। ये तो छोटा है अभी, छोटा होने के बाद में तो दो अभी तोड़ लिया है। हाँ अभी तो तोड़ लिया, अभी नहीं तोड़ा है, कल तोड़ेगा इसको। ये सब ये तो अभी ये तोड़ने का ये तो कितना 4 दिन होगा क्या, 4 दिन का तो बाद में होगा अभी। अच्छा। ये तोड़ने के लिए अभी हो गया, अभी ये कल तोड़ेगा ये। अच्छा, ये सब तोड़ेंगे? हाँ कल तोड़ेगा। हाँ इसका जो 3 पत्ती निकल जाएगा ना सर, हाँ 3 पत्ती तोड़ निकलने के बाद 2 पत्ती को तोड़ लेते हैं, 1 पत्ती छोड़ते हैं। अच्छा, ऐसे वो नेक्स्ट में ना फिर 2 पत्ती? हाँ 2 पत्ती वैसे होता है। अच्छा क्या बात है, मतलब 3 पत्ती हो जाएगा। हाँ तो आप ये 2 पत्ती तोड़ लेंगे? हाँ, छोड़ देंगे मतलब इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा। इसको तोड़ सकते हैं, अभी ये पूरा को निकाल देना सकेगा ना? नहीं मत तोड़िए। हाँ नहीं तोड़ेगा, तो इसको पूरा निकाल देगा ना सर, तो इसका निकालने के बाद में नेक्स्ट में इसका पास में आएगा, अभी तो पहले तोड़ दिया ना, तो ये अभी आएगा इसमें आएगा, दोनों में ऐसे होगा। क्या बात है, चाय की खेती बहुत प्यारी खेती है। प्यारी मतलब बहुत प्यारे, मतलब जैसे हम लोग खुद पलता है ऐसे उसको भी हिम्मत। अच्छा ये बताइए, चाय पीते हैं ना? पीते हैं ना सर। हाँ, आप तो खेत का उपजाया हुए पीते हो? हाँ पीते हैं। हम लोग पैकेट बंद पीते हैं, आप लोग ओरिजिनल पीते? नहीं नहीं, हम लोग भी पैकेट वाले पीते हैं अभी, लेकिन हम लोग खुद तो बना नहीं सकता ना, या तो मशीन में बनाता है वो, मशीन में हम लोग खुद तोड़ के इधर भेजता है मशीन में, वो जब मतलब उसको पूरा गुड़ी करके पैकिंग करते हैं ना, वही हम लोग भी खरीद कर पीते हैं। आप भी मतलब ओरिजिनल नहीं पी पाते? कहाँ पीते सर, अरे तोड़ते तो हम लोग खुद ही तोड़ते हैं, लेकिन कहाँ मिलेगा हम लोग, हम इसने यही नहीं, यही बताए ना। आप लोग जब ओरिजिनल चाय पत्ती नहीं पी पाते हैं, आप जब खेती करते हैं उपजाते हैं, तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? कहाँ मिलेगा, उसको ऐसे नहीं पी सकते क्या, पानी में डाल के उबाल करके? कहाँ से, उसमें रंग आएगा ही नहीं, उसमें रंग नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नुकसान भी तो नहीं करेगा अगर नहीं पीते हैं तो? नहीं कुछ नहीं नुकसान नहीं करेगा, ये कुछ नहीं होगा।
मतलब वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा दो तीन पता ऐसे पीट के ना उसको थोड़ा कूट के ना कूट के वो उसमें पानी में डालने से वो भी रंगाएगा, लेकिन अच्छा लेकिन थोड़ा सूखना चाहिए उसको, सूखना चाहिए हाँ, सूखने के बाद में थोड़ा रंगाएगा। यही बात है, कच्चा कच्चा में डालने इतना अच्छा रंग नहीं आएगा। ये बात है, इसका भी बहुत मेहनत है ना सर, बोलने से सिर्फ नहीं होगा, बहुत मेहनत है इसका भी। नहीं तो देख रहे हैं कि आप इस तरह से पौधों को बना के रखें, एकदम कितना सजा हुआ दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये हमारे साथ रंजीत जी बने हुए हैं, ये हमारे इनके तीनों लड़के हैं ना, लड़के मेरे तीनों लड़के हैं आपके, ये हमारे मैनुज जी हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने हम लोगों को, मतलब यहाँ की कैसे चाय पत्ती तैयार होता है और कितना मेहनत करना पड़ता है, पानी समय समय पर देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पानी समय पर नहीं दे तो ये पौधा सूख जाता है। ये जो हरा भरा आप देख रहे हैं ये पानी की वजह से और इनके मेहनत के वजह से ये हरा भरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। और बहुत अच्छा लगा हमको घूम के यहाँ पे। आज हम लोग बिहार जा रहे हैं, फिर बारिश होने की संभावना है, तो रात से तो बहुत पूरी बारिश हो रही है ना, तो आज तो दिन भर है ना, पर बहुत बहुत दिन भर हुई, रात में भी बारिश बहुत तेज हुई है। हम लोग सोच रहे थे कि पूरा घूमेंगे पहाड़ वहाड़ जाके, लेकिन घूम नहीं पाए बारिश की वजह से। ठीक है ना, बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, आएंगे आप लोग भी आएंगे? नहीं सर, हम लोग तो बिहार तो पार होके गया, लेकिन तो बिहार तो नहीं पहुंचा हम लोग। अच्छा, अब बिहार पहुंचिए बेगूसराय, फिर हम लोग वहाँ मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आज आपने देखा कि चाय पत्ती बागान और यहाँ का रहन सहन, यहाँ का घर, और ये जो है आप देख रहे हैं ये पारंपरिक गमछा है, और ये सम्मान स्वरूप हम लोगों को भेंट किया गया है, इनको भी भेंट किया गया था कल, और बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह पे। और फिर कभी हम आसाम आएंगे तो आपको ज़रूर यहाँ की और भी चीज़ें जो छूट रही हैं वो आपको दिखाएंगे। इधर बारिश हुई है, हम लोग कहीं जा नहीं पाए, पहाड़ पे जाने वाले थे लेकिन जा नहीं पाए, और फिर अभी हमारे 7:30 बजे हमारी गाड़ी है, हम लोग बिहार के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ भागदौड़ ब्लॉग पे। जय हिंद।